दोस्तों अगर आप अपने घर में स्टोरेज से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकोगी, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक और धमाकेदार वीडियो। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं सेलो नोवेल्टी पोर्टेबल स्टोरेज कंफर्ट को। दोस्तों क्या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है या स्टूडेंट है और कहीं बाहर रहते हैं रेंट से, तो एक पर्टिकुलर स्टोरेज के लिए आप एक अलमीरा परचेस करने का सोचते हैं, या फिर आप इसे कहीं शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो काफी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक पोर्टेबल स्टोरेज सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के थ्रू आप एक अलमीरा को पोर्टेबली कहीं भी असेंबल करके स्टोरेज बना सकते हैं। मैंने इसे अमेजोन से ऑनलाइन परचेज किया है, और अगर आप इस पोर्टेबल को स्टोरेज कपबोर्ड का प्राइस जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी मेंशन किए, आप उसे वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और इस पोर्टेबल स्टोरेज कपबोर्ड को हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट मिलने वाले हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें मैनुअल मिला है हमें, और इसके अंदर देख सकते हैं आप कि किसे इसे असेंबल करना है, सभी पार्ट्स की इसके बारे में अंदर जानकारी दी गई है, आपको उस पार्ट्स को कैसे असेंबल करना है पूरा आप देख सकते हैं। मैं मैनुअल साइड में रखता हूं और इसके अंदर के पार्ट्स निकालता हूं। शाबिया दोस्तों, इस पोर्टेबल स्टोरेज के अंदर आपको लॉक भी मिलेगा, आप इसे कहीं भी लॉक भी कर सकते हैं। देखिए ये शायद हैंडल भी दिख रहा है, तो ये डोर का होगा, तो यहाँ पे हमें इसकी की और लॉक भी मिला है, हम इसे आसानी से लॉक भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सभी पार्ट्स को अलग कर लिया है, और सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये सबसे अच्छा इसका क्वालिटी लगा मुझे। क्वालिटी प्लास्टिक का काफ़ी हार्ड है, मतलब जो हम सेलो की चेयर्स वगैरह परचेस करते थे घर में वैसा ही प्लास्टिक है, सेम क्वालिटी है दोस्तों। एंड ये बॉटम असेंबली है, सभी असेंबली पर आपको प्रॉपर टैग देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये सबसे अच्छी बात है कि आप इससे प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ लगने वाला है। और अब इसके साथ एक ब्रोशर वगैरह है मैनुअल वाला, आप उसके अंदर उसे जाकर भी चेकआउट करके देख सकते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ असेंबल होके लगने वाला है। ये टॉप असेंबली हो गई दोस्तों हमारे पास, हमें इस पर बैक पैनल मिलते हैं, टोटल 6 क्वांटिटी में है, और ये साइड पैनल है, साइड पैनल टोटल हमें 6 क्वांटिटी में मिलते हैं। तो डोर्स के ये राइट डोर पैनल है, तीनों ऊपर से नीचे तक हमें पैनल्स मिलते हैं राइट डोर के और ये लेफ्ट डोर के। और लेफ्ट डोर में सबसे अच्छी खास बात ये है कि आप इसके अंदर लॉक सिस्टम भी आपको मिलता है, इंटरनल लॉक, आप इसे आसानी से लॉक कर सकते हैं। इसके शेल्फ की बात करें तो शेल्फ काफ़ी अच्छे लगे मुझे, क्यों, क्योंकि शेल्फ में इन्होंने एक्चुअली होता क्या है, अगर हम शेल्फ को यहाँ लगाते हैं ऐसे, तो अगर इस पर कुछ भी आप सामान रखेंगे तो बैंड होने का डर रहता है, तो इसलिए इन लोगों ने इसमें एक लोहे की रॉड दी है दोस्तों, सो इसे काफ़ी मजबूत बनाती है और काफ़ी दिखने में अट्रैक्टिव भी लग रहा है। थोड़ा हैवी है दोस्तों ये, बिकॉज इसमें थोड़ा मेटल आ गया है। एंड ये सारे इसके इसे असेंबल करने के टुकड़े हैं। दोस्तों मुझे याद आया है बचपन में हम लोग ब्रिक्स वाला जो एक गेम आता था उसे जोड़कर हम जैसे असेंबल करके कुछ बनाया करते थे, ये सेम वैसा ही गेम जैसा लगता है। सबसे पहले हम बॉटम असेंबली से शुरू करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ टैग लगा है बॉटम असेंबली, हम इसके ऊपर पूरी अलमीरा जो है उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बॉटम असेंबली को रखेंगे दोस्तों, पीछे हम बैक पैनल से स्टार्ट करते हैं, बैक पैनल लगाएंगे हम सबसे पहले, आप देख सकते हैं बैक पैनल पे भी यहाँ पे प्रॉपरली टैग दिया गया है दोस्तों, तो इस बैक पैनल को हम लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें साइड पैनल अटैच करेंगे दोस्तों, साइड पैनल का भी टैग दिया गया है आप देख सकते हैं। बैक और साइड असेंबली कंप्लीट होने के बाद अब
अब हम इसमें ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। ब्रेक्स किस तरह के दिए गए हैं दोस्तों, तो ये ब्रेक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। एल शेप वाला ब्रेक हम साइड में लगाएंगे दोनों साइड। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये कपबोर्ड जो है प्रॉपर असेंबल हो चुका है। और मुझे वैसली मैंने इसे कॉम्बो में मंगाया था, तो इसके साथ मैंने दो छोटी असेंबली और मंगवाई है। इस तरह से मैंने इसे साइड में रखने के लिए मंगाया है दोस्तों। इसमें सिर्फ दो शेल्फ दिए गए हैं आपको, और काफ़ी अच्छा और हल्का फुल्का टिकाऊ आइटम है। सेम एज इट इज़ एक रेड कलर में मैंने मंगाया था, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, थोड़ा अट्रैक्टिव है। इसमें भी दो शेल्फ दिए गए हैं दोस्तों। सो सामान स्टोर करने के लिए घर में इससे अच्छा बेटर ऑप्शन नहीं मिल सकता हमें, खास करके उन लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं या रेंट से रहते हैं और एक स्टोरेज प्लेस ढूंढते हैं अपना सामान स्टोर करने के लिए। तो उनके लिए ऐसा कपबोर्ड काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है मेरे ख्याल से, और इसे आप कहीं भी असेंबल कर सकते हैं। किसी दूसरे का अगर शिफ्ट करते हैं तो भी आप प्रॉपरली इसे एक जगह से डिसेंबल करके दूसरी जगह असेंबल कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, होप सो मजा आया होगा एंड आपने इस वीडियो को पसंद भी किया होगा। प्लीज ऐसा लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।